कश्मीरी चाय का कहवा बनाने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 कप पानी, तकरीबन 1 लीटर के बराबर, और मैंने इसको पैन में डाल देना। इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कहवा। कहवा मैंने लिया है 4 चम्मच, यानी कि जितने कप मैंने पानी लिया था उतना ही एग्जैक्टली चम्मच मैं ले रही हूँ कहवे के। ये जो कहवा हम ग्रीन टी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सेम ये वही कहवा होता है। और इसको हमने ठंडे पानी में ही डालना है, पानी को गर्म करने का इंतजार नहीं करना। अच्छा जी, और इसके अंदर मैंने डालना है 1 चुटकी के बराबर खाने का जो सोडा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसके अंदर मैंने डालना है थोड़ा सा नमक, ये भी तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। जो असल कश्मीरी कहवा है उसके अंदर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स लाजमी तौर पे डलते हैं, मीठा सोडा भी और नमक भी। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 इलायची। इलायचियों का जो है वो मुंह खोल लें आप ताने, ताकि उनके बाहर आ जाएं, इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको मैंने पकने देना है। मैं इतना इसको पकने दूंगी, ये जो 4 कप पानी था ये तकरीबन 2 कप रह जाएगा। आप अंदाजे से देखिएगा, कोई इतना नाप तोल नहीं है, ये तकरीबन हाफ रह जाना चाहिए। और इसको पकने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, बहुत तेज आंच नहीं करनी, अदरवाइज इसका जो कहवा है उसका प्रॉपर कलर नहीं आएगा, पिंक कलर नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि रेसिपी सही नहीं बताई। तो वेट करेंगे, इसको आराम से पकने देंगे और उसके बाद मैं बताती हूँ कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। कश्मीरी चाय का जो कहवा था वो तकरीबन आधा रह गया है। यहाँ पे मैंने करना है चूल्हे को बंद, और इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो है वो लूँगी 1 कप। इसको शामिल करने के बाद मैं कहवे को फेंटना स्टार्ट करूँगी। फेंटने से मुराद ये है कि मैंने इस तरह से करके और इस तरह इसको फेंटना है, यही इसका असल प्रोसेस होता है। अगर आप इसको सही तरह नहीं फेंटेंगे तो इसका जो पिंक कलर है वो नहीं निकलेगा। इसको मैंने 5 से 10 मिनट तक फेंटना है, इसके बहुत ज़्यादा झाग बन जाएंगे और मैंने इसको फेंटते रहना है। पूरे 10 मिनट मैं इसको फेंटूंगी। कहवे को मैंने 10 मिनट तक फेंट लिया, अब मैं इसको दोबारा पकने के लिए रख रही हूँ। ये तकरीबन 3 कप कहवा है, ये जब दोबारा 2 कप रह जाएगा मैं इसको तब तक पकाऊंगी। कहवे को पकते हुए दोबारा से 10 मिनट गुजर गए हैं और 1 कप पानी मजीद खुश्क हो गया है। अब मैं दोबारा चूल्हा बंद करूंगी और मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ठंडा पानी दोबारा से 1 कप। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, फ्रिज वाला पानी जो है वो आप इस्तेमाल करें। और इसके बाद मैंने इसको दोबारा से फेंटना है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तभी जाकर ये बहुत मज़े का तैयार होता है। ये रेसिपी जो है वो मेरी मदर इन लॉ की है, वो कश्मीरी थी, और ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में कश्मीरी चाय वैसे सब लोग ही तकरीबन पीते हैं, बाहर से जाके तो सभी पीते हैं रेस्टोरेंट से, लेकिन घर पर जो है वो हर एक को बनाना नहीं आती। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी जो कश्मीरी चाय का कहवा है वो बहुत परफेक्ट बनेगा। लास्ट में मैं आपको एक और सीक्रेट टिप भी दूंगी कि अगर आपकी कश्मीरी चाय के जो कहवे का कलर परफेक्ट नहीं आता तो फिर आप क्या करें, और मेहमान भी आ गए हैं तो आपने करना क्या है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी यहाँ पर। कहवे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और अब मैंने चूल्हा दोबारा से ऑन कर दिया, और अब मैं इसको दोबारा पकने दूंगी कि ये 3 कप जो पानी है वो 2 कप रह जाए, और तकरीबन वही 5-7 मिनट लग जाएंगे इसको कम होने में, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ उसका नेक्स्ट प्रोसेस। कहवे को पकते पकते दोबारा से जो 3 कप कहवा था वो 2 कप रह गया। मैंने 2 बार इसके अंदर ठंडा पानी मिक्स किया था और अब 3rd टाइम ये पक रहा है। अब हमारा जो कहवा है वो तैयार हो चुका है, और अब मैं तैयार करने लगी हूँ इससे कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय तैयार करते हुए मैं उसके अंदर डालूंगी कुछ ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जिसके बाद आपकी जो चाय है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आपने मेरी रेसिपी को शुरू से आखिर तक फॉलो करना है और कोई भी स्टेप जो स्किप नहीं करना, ताकि आपकी जो चाय है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। कहवा तैयार हो गया है, इसको आप स्टोर कर सकते हैं विदाउट फ्रिज, 1 हफ्ता कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, तो ये 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा, इसका टेस्ट चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ। ठंडा करके आपने इसको प्रिजर्व करना है, प्लास्टिक की बॉटल्स में करना चाहें, जो एम्प्टी बॉटल्स होती हैं आप आराम से कर ले, कोई मसला नहीं है।
और अब अपने रिश्तेदारों को भी गिफ्ट करें, अपने फ्रेंड को भी गिफ्ट करें। मैं भी अपने फ्रेंड्स को हर साल गिफ्ट करती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशल जो है सौगात होती है सर्दियों की। बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल लाइट होता है। और अब मैं तैयार करने लगी हूँ इससे चाय। तो चलिए चाय बनाना स्टार्ट करते हैं, कश्मीरी चाय, कश्मीरी कहवा से। कश्मीरी कहवे के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप दूध, और 1 कप दूध जो है वो मैंने पैन में डाल देना। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टेट्रा पैक का दूध। यहाँ पर मैं ऑल पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर लें तो जो कश्मीरी कहवा है वो बहुत मज़े का बनेगा। इस दूध को मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। दूध गर्म हो गया, इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ 2 खाने का चम्मच टी वाइटनर, यानी कि एवरीडे वगैरह कोई भी आप डाल सकते हैं। और इधर मैंने लिए है चीनी 1 खाने का चम्मच या हसबे जायका। ये तकरीबन 2 कप चाय जो है कश्मीरी चाय तैयार होगी, उसके मैं आपको अज्जा बता रही हूँ। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 पिंच के बराबर जो है वो मैं नमक इसमें शामिल करूंगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी वो कहवा जिसको बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया है अपनी वीडियो में। इन सारे अज्जा को मैं अच्छी तरह से 10 मिनट लो फ्लेम के ऊपर, हाई फ्लेम पर नहीं, लो फ्लेम पे पकने दूंगी। कश्मीरी चाय को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, हल्की आंच पे मैंने इसको यहाँ पर पकाया था, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की कश्मीरी चाय रेडी हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल कुक विद आमना को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।